नमस्कारम, गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने कौन सा चैप्टर चालू किया था? चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस। इसमें क्या मतलब कल हमारा कौन सा टॉपिक कवर हुआ था? सिंपल इक्वेशन, बराबर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बराबर। हमने जो सिंपल इक्वेशन देखा था उसमें कितने वेरिएबल्स थे? 1 वेरिएबल था, बराबर। 2 वेरिएबल्स में कितने वेरिएबल रहेंगे? 2 वेरिएबल रहेंगे, बराबर। एक्स और एक्स एंड वाई, ये 2 वेरिएबल रहेंगे। एक्स एंड वाई रहेंगे, एम और एन रहेंगे, कौन सा भी ए टू जेड में से कौन से भी 2 वेरिएबल्स रहेंगे, बराबर। अभी इसके ऊपर हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम, द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन 3x + 4y = 7 और 4x - y = 3 इज ऑप्शन थ्रू जाना है। ऑप्शन नंबर सॉल्व करा रहे, हाँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है? जो गिवन इक्वेशन है 3x + 4y = 7, इसमें ऑप्शन बी में 1 और 1 दिया है, बराबर। जो पहला 1 है वो किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है, बराबर। एक्स और वाई, एक्स वाई = 1 1। अभी इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। वाई की जगह पे भी 1 पुट करना है। क्या आता है? एलएचएस 7 7 = 7। और ये सेकेंड नंबर इक्वेशन में 4x - y = 3 में 4 1 - 1 = 3, 4 1 = 4 - 1 3 = 3, मतलब क्या? ऑप्शन नंबर बी का जो वैल्यू है एक्स और वाई कौन सा दिया है? 1 और 1 पुट करने के बाद एलएचएस और आरएचएस क्या होते हैं? इक्वल आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x/2 + y/3 = 2 एंड x + 2y = 8 दिया है, बराबर। ऑप्शन थ्रू जाओ, ऑप्शन नंबर सी पार्ट करून ठेवला आहे, हां। ऑप्शन नंबर सी समजते ना कसं करायचं? ऑप्शन थ्रू जायचे। पहिली जी व्हॅल्यू असणार आहे ती एक्स ची असणार आहे, सेकंड असणार आहे ती वाय ची। ज्या ठिकाणी एक्स दिसतोय त्या ठिकाणी 2 पुट करा आणि ज्या ठिकाणी वाय दिसतोय त्या ठिकाणी किती पुट करणार? 3 पुट करा। तर इक्वेशन 1 मध्ये x/2 + y/3 = 2, याच्यामध्ये एक्स ची व्हॅल्यू काय पुट करणार? पुट x = 2, 2/2 + 3/3, 2/2 = 1 + 3/3 = 1 = 2, LHS = RHS। अभी सेम वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 कौन सा है? x + 2y = 8 है, बराबर। x की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 3 है। 2 + 2 = 3 6, 2 + 6 = 8, LHS = RHS। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/p + y/q = 2 एंड x + y = p + q। ऑप्शन थ्रू जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो x/p + y/q = क्या है? 2a। x की जगह पे क्या पुट करना है? ऑप्शन थ्रू हम ए ट्राई करते हैं। ऑप्शन x = p पुट करो, p/p + y की जगह पे q पुट करो। q/q मतलब p, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 1 + 1 2 आएगा। नेक्स्ट x + y = p + q, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस वन करो द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन सामने आपके। ऑप्शन नंबर प्रेम का है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1/16x मीन्स 1/4 पुट करो, प्लस 1/15y मीन्स 1/3, 4 1 = 4, 4 4 = 16, 3 1 = 3, 3 5 = 15। इसका एडिशन करो, 1/4 + 1/3 ना 5 = 9/20 आता है कि देखो आता है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सेम वैल्यू इक्वेशन 2 में भी पुट करना है, बराबर। नेक्स्ट ले लो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ट्राई करके देखो, ऑप्शन डी मगर सेम काय ना रे, ए और डी, डी इकडे ए म्हणताय तू डी म्हणालीस, कोणाचं करेक्ट डी ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पुट करके देखो 4/2 माइनस 5/5 इक्वल्स टू कितना आता है, 1 आता है। LHS इक्वल्स टू RHS आता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ले लो, पेयर सैटिस्फाइंग द क्वेश्चंस x प्लस 5y इक्वल्स टू 36, x और y की जगह पे ऑप्शन नंबर ए बी सी ट्राई करके देखो, ऑप्शन नंबर ए, 16 प्लस 5 और जा 20, 20 प्लस 16 36, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बराबर आहे ना, बरोबर आहे काय, पुढचं पण ट्राय करून बघा। 16 4 आहे, नेक्स्ट ऑप्शन काय आहे, 4 आणि 16 दोन्ही इक्वेशन मध्ये पुट करून बघा, बरोबर आहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 3y equals to 0 and x plus 2y equals to 20, go through option number B, the simultaneous equation 7x minus 3y equals to 31, 9x minus 5y equals to 41, ऑप्शन थ्रू जाओ, पहला A ऑप्शन ट्राई करके देखो, उसके बाद B, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5x प्लस 2.4y इक्वल्स टू 1.8 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 2.5 इनटू ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7y, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड आउट करना है, गो थ्रू ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5x plus 3.6y is equals to 2.1 and second equation 2.5x plus 1 is equals to 6y, ऑप्शन नंबर x के जगह पे 0.2 पुट करो और y के जगह पे 0.5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x by 5 plus y by 6 plus 1 is equals to x by 6 plus y by 5 is equals to 28, 6 और 9 ट्राई करके देखो, x के जगह पे 6 पुट करो, ऑप्शन ए आता है क्या, 28 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी। 60/5 plus 90/6 plus 1 is equals to कितना आता है, 28 आता है, बराबर। और सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, x बाई 6 प्लस y बाई 5, इसमें भी पुट करो 60/6 प्लस 90/5, इसका भी आंसर कितना आता है, 28 आता है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बाई 4 इक्वल्स टू y बाई 3 इक्वल्स टू z बाई 2, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कितना वेरिएबल दिया है आपको, 3 वेरिएबल है, बराबर, एक्स वाई एंड जेड। एक्स के जगह पे 4 पुट करो, वाई के जगह पे 3 और जेड के जगह पे 2 पुट करो, इसमें भी 3 वेरिएबल्स दिए, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20, वाई जेड बाय वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 40 एंड जेड एक्स बाय जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 24। एक्स के जगह पे ऑप्शन ट्राई करके देखो, पहला ऑप्शन 120 60 30, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी। मतलब एक्स की वैल्यू 60, वाई की 30 और जेड की 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, 000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हुशार आहे की रे सगळे तुम्ही, हा। नेक्स्ट प्रॉब्लेम, डायरेक्ट सीज कसं काय ट्राय करायला तुम्ही, काय झालं, डिवाइड से एडिशन के लिए हम बस सीधा डिवाइडर देते हैं। ऑप्शन काय ना श्रावणी तू काय केलेस एवढं झालं कोणती कॅल्शियम वापरायला तुझं झालं रे विनय। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए काय बी ए है ना। ऑप्शन नंबर ए एक्स और वाई की जगह पे ऑप्शन ट्राई करो। ऑप्शन ए 1 2, बी 0.1 0.2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। टारगेट 10 सेकंड पकडलाय की तुम्ही होय। त्याच्यामध्ये पण 3 व्हेरिएबल्स आहेत एक्स वाय आणि झेड। ह्यूमन कैलक्युलेटर वर भरोसा ठेवू नका। काय कॅल्सी दिले तुम्हाला यूज करण्यासाठी। ऑप्शन डी -10 10 1। ऑप्शन डी ना। माझ्याकडे इथं मी काय कॅल्सी नाही माझ्याकडे। काय 20 प्रॉब्लेम झाले तिथं। आता वर्ड प्रॉब्लेम्स हो गया। आता सांगायचं फास्ट। First word problem: monthly incomes of two persons are in the ratio 4:5, and their monthly expenses are in the ratio 7:9. If each saves ₹50 per month, find their monthly incomes. Option थ्रू जाओ। रेशियो क्या दिया आपको? 4:5 दिया है बराबर। अभी ऑप्शन थ्रू जाओ। पहला ऑप्शन क्या है? 500 400, मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। सेकेंड 4:5। थर्ड वन 1:2 आ जाएगा बराबर। और थर्ड वन इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 35 और 55 7:11, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझते ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द फ्रैक्शन which is equal to 1/2 when both its numerator and denominator are increased by 2. It is equal to 3/4 when both are increased by 12. Go through option. Option A try करो। ये चेते प्रेम सांगा कशाला प्रेम सांग। I by 10 means 1/2 बराबर। नेक्स्ट सेकंड कंडिशन आणि दुसरी कंडिशन नको रे बघायला। ऑप्शन ए ट्राई करते। 3/8 है बराबर। 3/8 में क्या ऐड करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 2 ना। प्लस टू करो 3+2 5/10 इक्वल्स टू 1/2, मतलब 1/2 आ गया पहला कंडीशन। नेक्स्ट क्या दिया है? इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12। अभी फ्रैक्शन कौन सा लिया आपने? 3/8 लिया है बराबर। इसमें क्या ऐड करना है? 12 ऐड करना है। 3/8 में 12 ऐड करो। प्लस 12 15/20 इज इक्वल्स टू 3/4, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। Next question: The age of a man is 3 times the sum of the ages of his 2 sons, and 5 years hence, his age will be double the sum of their ages. Find the present age of the man. Present age of the man. जो ऑप्शन दिया आपको वो कौन से? Present age of the man. Man के present age दिया है। कंडीशन क्या दिया है? देखो पहला कंडीशन क्या है? इक्वेशन तैयार करो। द एज ऑफ अ मैन, मैन एज क्या कंसीडर करो? एक्स कंसीडर करो। और एज ऑफ हिज 2 सन्स उसको वाई कंसीडर करो। सॉल्व करो। क्या दिले होगा? द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons. कंसीडर मैन एज इक्वल्स टू एक्स एंड हिज 2 sons, एजेस ऑफ 2 sons equals to y. फर्स्ट कंडीशन 3 times sum of the ages of his two sons. 3 times means x equals to 3y ना, x equals to 3y. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन क्या है? एंड 5 इयर्स हेंस, हेंस मीन्स आफ्टर, बराबर 5 साल बाद उस आदमी का एज क्या हो जाएगा? आफ्टर 5 इयर्स एक्स प्लस 5 हो जाएगा, बराबर. और वो दोनों लड़कों का क्या हो जाएगा? y प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. 10 कैसा पता चला? सपोज उस आदमी का एज कितना है? 60 इयर्स है, बराबर. एक लड़के का एज 25 इयर्स है और दूसरा लड़के का 20 इयर्स है. अभी इस दोनों का एडिशन करो, 25 और 20 का कितना होता है? 45, बराबर. आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद इस आदमी का एज क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा. ये 25 इयर्स का जो लड़का है उसका एज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. इस 20 इयर्स का उसका 25 हो जाएगा. इस दोनों का एडिशन करो, 55. मतलब आफ्टर 5 इयर्स ये लड़कों का एज प्लस 10 से बढ़ेगा, बराबर. यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 55. 55 माइनस 45 मतलब 10. एक लड़के का 5 इयर्स, दूसरे लड़के का 5 इयर्स, मतलब दोनों का एडिशन करके कितना हो गया? 10 इयर्स, बराबर. मतलब यहाँ पे क्या लेने का? y प्लस 10. आपने y प्लस 5 ले लिया तो आंसर गलत आ जाएगा. 5 इयर्स हेंस हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस. इसका डबल करो, डबल मतलब 2, बराबर. अभी आपको x की वैल्यू पता है. x की वैल्यू क्या है? 3y. यहाँ पे पुट करो, 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, y इक्वल्स टू 3y माइनस 2y, y equals to 20 minus 5, y equals to कितना? 15, बराबर. y equals to 15. इसकी एज पूछिए, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन. मैन का एज क्या कंसीडर किया आपने? x कंसीडर किया, बराबर. पहली कंडीशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 3y, मतलब x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 45. ऑप्शन नंबर B is the correct answer. क्लियर? समझ लाए प्रॉब्लेम? नेक्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करता. सेम आहे, फक्त हेन्स आहे त्या ठिकाणी एको. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स एंड 5 इयर्स एको हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. ऑप्शन ए 60 इयर्स, ऑप्शन बी 52 इयर्स, ऑप्शन सी 51 years and option D 50 years. 50 or 60. The age of person is twice the sum of the age of his two sons. उस आदमी का एज क्या कंसिडर करो? x कंसिडर करो. सेम प्रॉब्लम. एंड sons, two sons ना, y कंसिडर करो. फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? x इक्वल्स टू 2y आ जाएगा, बराबर. यहाँ पे ट्वाइस दिया है. पिछले प्रॉब्लम में क्या था? 3 टाइम्स था, बराबर. ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करो. ये इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन क्या दिया है? 5 इयर्स एगो. एगो मीन्स पीछे जाना है, बराबर. 5 इयर्स एगो पर्सन का एज कितना होगा? x माइनस 5 होगा, बराबर. और उस दोनों बच्चों का एज क्या होगा? -5 मतलब -10 हो जाएगा. मतलब y माइनस 10 वॉज थ्राइस. थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 3 करना है. इक्वेशन सॉल्व करो. x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको? 2y पुट करो. 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 30 ना. नेक्स्ट 2y माइनस 3y माइनस y, नहीं तो ये 2y राइट हैंड साइड ले लो. y इक्वल्स टू 25, बराबर. अभी y इक्वल्स टू 25 आ गया. आपको प्रेजेंट एज, किसका एज पूछा है? उस पर्सन का, आदमी का एज पूछा है, बराबर. इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करो. x इक्वल्स टू 2 इंटू 25, x इक्वल्स टू 50. ऑप्शन नंबर डी, बराबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digit. If 9 be added to it, the digits are reversed. Find the number. Option number 45. Option number C is the correct answer. A number between 10 and 100. 10 और 100 में बीच में सा नंबर कौन सा भी, अभी 54 भी है, 53 भी है, 45 और 55, ये 100 और 10 के बीच में से नंबर दिए बराबर। इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, 5 टाइम्स मतलब अभी 54 का 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 का मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 5 टाइम्स 45, यहाँ पे ऑप्शन क्या है 54 है बराबर, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता बराबर। ऑप्शन सी ट्राई करो, 4 + 5 9 आता है, 9 का 5 टाइम्स 45 बराबर, मतलब कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट, इफ 9 बी एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्सड, इसमें 9 ऐड करना है, 45 में 9 ऐड करो, क्या आता है आंसर 54 आता है बराबर। इसका रिवर्स करो, 54 का रिवर्स क्या हो जाएगा 45, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। परत रिपीट करो, अ नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये जो ऑप्शन दे ऑप्शन थ्रू जाना है। अभी 45 में 4 + 5 का एडिशन कितना आता है, 9 आता है बराबर। उसके बाद 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसका 5 टाइम्स, ये जो 4 + 5 9 है, उसका 5 टाइम्स कितना हो गया 45, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट अगला कंडीशन देखो, इफ 9 भी एडेड टू इट, 9 किसमें ऐड करना है 45 में 9 ऐड करो, कितना आता है आंसर 54 आता है बराबर। ये 54 का रिवर्स करो, कितना हो जाता है 45, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, The wages of 8 men and 6 boys amount to ₹33. If 4 men earn ₹4.50 more than 5 boys, determine the wages of each man and boy. Option number B. Solve केला. Equation क्या होणार सांगा? 8x + 6y = 33, ये इक्वेशन पहला हो गया। सेकेंड इक्वेशन 4x - 5y होगा ना, हाँ मतलब वो 5 लेफ्ट हैंड साइड ले लो, -5y = क्या हो जाएगा 4.50। हाँ अभी इस दो इक्वेशन में ऑप्शन ट्राई करो, ऑप्शन नंबर बी बराबर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, a number consisting of 2 digits is 4 times the sum of its digits, and if 27 be added to it, the digits are reversed. The number is same problem. 36 बराबर, 3 + 36 मतलब 3 + 6 9, 9 × 4 36, इसमें क्या ऐड करना है 27 ऐड करो, 63, इसका रिवर्स करो 36, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ 2 नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड देयर सम इज 16, द नंबर्स आर 16 सम कितना, ऑप्शन नंबर ए बरोबर है। 1/5 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है 10 है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर 2 बराबर, और 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट, ये दोनों का सम 6 और 10 का सम कितना आना चाहिए 16, मतलब ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Next question. Y is older than X by 7 years. 15 years back, X age was 3/4 of Y's age. Their present ages are. ऑप्शन ट्राई करो. Y is older than X. कोण मोठा आहे याच्यामध्ये? Y मोठा आहे. हा डिफरन्स किती आला पाहिजे? 7 इयर्स. 43 - 36 7 येतोय काय? 15 इयर्स बॅक जाओ. 21, 28. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर आहे ना सर्वांना? आदिती झालं. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 3-digit नंबर इज 12. इफ द डिजिट्स आर रिव्हर्स्ड द नंबर इज इनक्रीज्ड बाय 495. But reversing only of the tens and unit digits increases the number by 36. The number is option number C. Shravani, can answer? Prem. C's कसे direct C लाच कसे गेला रे तुम्ही? हा A B सोडला C लाच गेला direct. दुसरा एक ऑप्शन येणार नाही. ठीक आहे, ओके. कारण त्याचा रिव्हर्स केल्यानंतर काय होतो? डिक्रीज होतो तो, बरोबर. 372 चा 273 होणार. काय व्हायला पाहिजे? रिव्हर्स केल्यानंतर इनक्रीज व्हायला पाहिजे. दुसरा ऑप्शन मी मान्य करतो. पहिला ऑप्शन ट्राय केला नाही तुम्ही. हा काय आन्सर? 405. हा ऑप्शन नंबर सी. द सम ऑफ 3 digits. पहिली कंडिशन काय बघा? 237. 2 + 3 + 7 = 12. If the digits are reversed, reverse करा digit. 37 चा reverse 732, बराबर. Is increased by 495. मतलब क्या करना है? 732 में से 237 माइनस करना है. इसका आंसर क्या आता है? 495, बराबर. मतलब सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेन्स एंड यूनिट डिजिट्स. मतलब 237 में से कौन सा नंबर रिवर्स करना है, इंटरचेंज करना है? 273 होता है, बराबर. इंक्रीज्ड बाय द नंबर 36. मतलब 273 में से 237 माइनस करो, 36 आंसर आता है. मतलब ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. समझा ले ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सिट्स ट्वाइस द स्मॉलर वन बाय 18 एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर आर टुगेदर 21. द नंबर्स आर ऑप्शन ए बी सी डी. 2 numbers are such that twice the greater number. ऑप्शन ए ट्राई करते हैं. 36 × 2 कितना होगा? 72. 45 × 2 90, बराबर. एक्सिट ट्वाइस द स्मॉलर वन बाय 18. मतलब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18. सेकेंड कंडीशन 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा है? 36 है. 36 का 1/3 12 ना, और 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर 45 का 1/5 कितना आ जाएगा? 9. आर टुगेदर मतलब इनका एडिशन करो, कितना आता है? 21 आता है. मतलब ऑप्शन नंबर वैल्यू क्या है? नंबर्स क्या होंगे? 36 and 45. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अभी ऑप्शन ए आपने लिया तो क्या होगा? द नंबर आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. अभी पहला हमने यहाँ पे क्या दिया है? ग्रेटर नंबर दिया है पहला, इसलिए क्या करो? ऑप्शन बी को चूज करो. मोठा दिला, इथं काय दिले? आता 36 आणि 45 हे सुद्धा करेक्टच आहे आन्सर. पण शक्यतो पहिला मोठा नंबर घ्या आणि त्यानंतर लहान घ्या. द डिमांड अँड सप्लाय इक्वेशन फॉर अ सर्टन कमोडिटी आर 4q + 7p = 17 and p = q/3 + 7/4. where P is the market price and Q is the quantity, then the equilibrium price and quantity are. P और Q की वैल्यू पुटअप करो, ऑप्शन थ्रू जाओ. पहला इक्वेशन कौन सा है? 4Q प्लस 7P इक्वल्स टू 17 है, बराबर. ऑप्शन ए थ्रू जाते हैं. P की वैल्यू क्या है? 2 है, बराबर. और Q की वैल्यू 3/4. अभी 4Q दिया है, 4 × 3/4 प्लस 7 × 2 इज इक्वल्स टू 17 आता है क्या? देखो 4 4 कैंसल, 3 प्लस 14 इक्वल्स टू 17. हाँ, और नेक्स्ट इक्वेशन P इज इक्वल्स टू Q/3 प्लस 7/4. P का वैल्यू कौन सा है? 2 है, 2 इक्वल्स टू Q 3/4/3 प्लस 7/4 2 इक्वल्स टू 2, बराबर. मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे कौन सा टॉपिक खत्म हुआ है? लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म होता है. समज लेना इथपर्यंत. वर्ड प्रॉब्लम्स मध्ये काय अडचण कोणाला? चलो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं.